आपका स्वागत है। आज हम लोगों ने जंतर मंतर को हमारे साथ हैं अब्दुल ईमान साहब हैं जो 4 बार MLA रह चुके हैं बिहार से। अब्दुल साहब एक बात बताइए कि आज जो एक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं आप किसके कर रहे हैं? ये धरना प्रदर्शन MIM बिहार और दिल्ली की इकाई की तरफ से सम्मानित तौर पर की जा रही है धारा 371 के तहत सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल बनाने के सिलसिले में। धारा 371 संविधान की वो धारा है जो किसी वजह से पिछड़ा रह गया हो, चाहे सरकारों की गफलत की वजह से या प्राकृतिक आपदा की वजह से, सरकार उनको विशेष राशि देकर उसको आप जिंदगी गुजारने के हालात पेश करें उसी का नाम धारा 371 है। और धारा 371 के तहत विदर्भ का हुआ, मेहराज का हुआ, हैदराबाद जोन को हुआ, मेघालय को हुआ, ये विशेष अधिकार मिले हुए हैं, विशेष शासन मिली हुई है उसी का नाम है। और मैं आज जो यहाँ बैठा हूँ वो सीमांचल जो अरड़िया पूर्णिया कटिहार किशनगंज बिहार के 4 जिले हैं जो प्राकृतिक आपदा से हर साल सैलाब से दो चार होते हैं, वहाँ सबसे ज़्यादा लोग अनुभव हैं, सबसे ज़्यादा गरीब हैं, सैलाब की तबाही से लोग दो चार हैं, बाल मजदूरों की संख्या सबसे ज़्यादा है, बीमारों की संख्या सबसे ज़्यादा है, बेरोजगारी बहुत आम हो गई है। और बेईमान सरकारों ने दिल्ली पर बैठे हुए लोगों ने भी और पटने पर बैठे हुए लोगों ने भी उस क्षेत्र के साथ इंसाफ नहीं किया। नतीजा ये हुआ है कि आज PPL की सबसे बड़ी संख्या उस इलाके में थी और वहाँ पर न मेडिकल कॉलेज है, न कोई यूनिवर्सिटी है, न कोई इंजीनियरिंग कॉलेज है, न जो कोई कारखाना है, पर कैपिटा इनकम भी पूरे बिहार में सबसे कम वहाँ पर हो गया है। हमारे छोटे छोटे बच्चे आज दिल्ली और मुंबई में होटलों में पोछा मार रहे हैं, हमारे नौजवान सीमांचल से निकलकर आज पंजाब के खेतों में जल रहे हैं, हरियाणा में सो रहे हैं, दिल्ली और मुंबई में पत्थर तोड़ रहे हैं और सीमांचल पूरा उजर कर रहे हैं। इतना उजरा है कि माँ मरती है तो बेटा उनके लाश में कंधा भी नहीं दे पाता। उसी के खिलाफ हमारी एक लड़ाई है कि हमने हमारे पूर्वजों ने जो आज़ादी ली थी अंग्रेजों से इसलिए ली थी कि चाहे राजा का बेटा हो चाहे मेहतर की सरकार सबको मिलेगा अवसर, एक समाज में बड़ा खूबसूरत नारा था। और इस वक्त भी मोदी जी नारा दे रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास, तो ये सबका साथ सबका विकास कहाँ है? सबका विकास कुछ लोगों का विकास ही करवा रहे हैं। उधर मोदी जी के भाई चचेजान बैठे हुए हैं पटने में, वो नीतीश कुमार जी, और वो कह रहे हैं कि साहब आप इंसाफ के साथ तरक्की कर रहे हैं, तो उनका इंसाफ कहाँ है? वो नालंदा को तैयार कर रहे हैं, नालंदा को 500 एकड़ ज़मीन दे रहे हैं, वहाँ यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का एक ब्रांच किशनगंज में सेंक्शन होता है, उसको ज़मीन मिलने में लोगों को लड़ाई लड़नी पड़ती है और केंद्र में बैठी हुई सरकार ने राशि नहीं दी। आज बलापुरम में, मुर्शिदाबाद में 60-60 फुट की बिल्डिंग बनी और 38 स्टाफ बाल हुए, किशनगंज में 84 भी बाल नहीं हुआ और वहाँ 2 क्लासेस की पढ़ाई हो रही थी, BEd भी बंद है वहाँ पर और MBA की पढ़ाई पर भी अब रोक लगने वाली है। कोई कल कारखाना नहीं है हमारे लिए, पढ़ने के लिए कोई स्कूल नहीं है, सैलाब से बचाने के लिए कोई उपाय नहीं किया गया है। वहाँ पर चूंकि अकलियतों की और दलितों की बड़ी संख्या है, इसलिए दिल्ली और पटने में बैठे हुए बेईमान सरकारों ने हमारे साथ नाइंसाफी की है, उसके खिलाफ हम सिंबॉलिक तौर पर धरना देने आए हैं और हमारी बात नहीं मानी गई। और मिनिस्टर असदुद्दीन साहब हमारी पार्टी के नेशनल चीफ हैं, उन्होंने पार्लियामेंट में प्राइवेट मेंबर बिल की हैसियत से भी धारा 371 के तहत सीमांचल को विशेष क्षेत्र घोषित करने की मांग करी है। हम सुनवाई को लड़ रहे हैं, सदन में भी शुरुआत की है, सड़क पर भी आए हैं, बात नहीं मानी जाएगी तो चक्का जाम भी करेंगे और जो हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है उसके तहत लड़ाई लड़ेंगे उसी की कड़ी के सिलसिले में।